सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सोसाइटी क्या है वो हम समझते हैं. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एन एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज. ये एक्ट किस लिए लाया गया? जो भी हमारी लिटरेरी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, साइंटिफिक और चैरिटेबल पर्पज़ था सोसाइटी में, उसकी वजह से ही हमारा एक्ट आया. इसका क्या प्रियम्बल, क्या मोटिव? Whereas it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science or the fine arts, or for the diffusion of useful knowledge, the diffusion of political education or for charitable purposes. इस एक्ट का क्या मोटिव था लाने के लिए कि जो भी हमारे साइंस से रिलेटेड, फाइन आर्ट्स, नॉलेज से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, जो भी पॉलिटिकल एजुकेशन या चैरिटेबल पर्पस हो, उस चीज़ों को प्रमोट किया जाए, यानी कि लीगली फॉर्म में या चीज़ों में अच्छे वे से लोगों को नॉलेज मिले. इस वजह से ये एक्ट लाया गया. इसका ये मेन मोटिव था. अब हम समझते हैं. इट इज़ इनएक्टेड एज फॉलोज. सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रजिस्ट्रेशन. Any seven or more persons associated for any literary, scientific or charitable purpose or for any such purpose as is described in section 20 of this act may by subscribing their names to the memorandum of association and filing the same with the registrar of joint stock companies form themselves into a society under this act. Yani ki yahan pe 7 aur 7 se zyada log person यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जैसे कि आपके लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल पर्पस हो. यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है. और किस सेक्शन के अंडर में इन लोगों को परमिशन दी गई है? सेक्शन 20 के अंडर में यह परमिशन दी गई है. नेक्स्ट वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये हमारा डॉक्यूमेंट्री होता है, ठीक है. इसमें क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं? दो चीज़ें, जैसे कि नेम ऑफ द सोसाइटी और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में चीज़ें डिफाइन की गई है. फिर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशंस ऑफ द गवर्नर्स, काउंसिल, डायरेक्टर्स, कमिटीज़ और अदर गवर्निंग बॉडी टू हुम बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज इंटरेस्टेड. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है. नेम ऑफ द सोसाइटी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. देन कॉपी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी सर्टिफाइड टू बी अ करेक्ट कॉपी फॉर नॉट लेस देन 3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी शैल बी फाइल्ड विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी सोसाइटी के मेंशन होने चाहिए, करेक्ट कॉपी आपकी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी मिस्टेकन वहाँ पर नहीं होना चाहिए. तो ये सारा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इस एक्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन एंड फीस. इसका मतलब ये है कि जो भी इस मेमोरेंडम में ये कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी फ़ीस लगेगी. फ़ीस आपकी 50 रुपीज़ हो सकती है, और उससे कम भी हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से. तो आपकी कंपनी यहाँ के अंडर में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है. रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी साथ में फ़ीस भी लगेगी. नेक्स्ट वन इज़ एनुअल लिस्ट ऑफ मैनेजिंग बॉडी टू बी फाइल्ड. यहाँ पे इस लिस्ट में ये कहता है कि जो भी आपकी सोसाइटी के 14th जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपकी जो भी सोसाइटी मेंटेन रहेगी, उसके बाद उस वहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपकी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है. एनुअल जनरल मीटिंग के हर सक्सेशन 14th डे में आपका मीटिंग रखी जाएगी. और अगर मीटिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो हर साल की जो आपका मंथ आएगा, जनवरी का जो मंथ रहेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज में आपका नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशंस ऑफ द गवर्नर्स, काउंसिल, डायरेक्टर्स, कमिटी और अदर गवर्नमेंट बॉडी कि जो भी चीज़ें मेंटेन रखी जाएंगी, आप उस समय जाके बता देंगे, ठीक है. तो एनुअल लिस्ट में आपका जनरल मीटिंग होनी ज़रूरी है. अगर आपकी मीटिंग नहीं हो रही है, तो मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के मंथ में आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे वहाँ पे.
देन नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी हाउ वेस्टेड। प्रॉपर्टी आपकी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के अंडर में होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट वेस्टेड इन ट्रस्टीड, अगर वो ट्रस्टीज में वेस्टेड नहीं है और डीम टू बी वेस्टेड, यानी कि लगता है कि वो वेस्टेड है, फॉर टाइम बींग द गवर्निंग बॉडी ऑफ सच सोसाइटी एंड ऑल प्रोसीडिंग सिविल एंड क्रिमिनल मे बी डिस्क्राइब एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ सच सोसाइटी बाय द प्रॉपर टाइटल। तो चाहे आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है नहीं है, है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंडर में होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी दिक्कत आती है तो जो भी आपकी सिविल या क्रिमिनल के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें रहेंगी तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में सारी चीज़ें आपकी फाइल अप हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ सूट्स बाय एंड अगेंस्ट सोसाइटीज़। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जैसे कि सोसाइटी जो भी रजिस्टर्ड होते हैं आपके एक्ट के अंदर, तो उनका ये हक हो जाता है कि स्यू और बी स्यूड। इसका मतलब स्यू और बी स्यूड किसके अगेंस्ट, यानी कि मुकदमा जारी कर सकती है किसके अगेंस्ट, आपके प्रेसिडेंट, चेयरमैन या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर में, या फिर ट्रस्टीज हो अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसफॉलो हो रहे हैं या उनके एक्ट के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो स्यू कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी पर्सन हो उसके अगेंस्ट इनको प्रोविडेंस दे दिया जाता है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो स्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ देयर अफेयर्स। ये कहा गया है कि आपके मेंबर्स यहाँ पे जैसे कि लेस देन होने चाहिए, किससे, 3/5 से ज़्यादा लेस देन मेंबर्स होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ज़्यादा होंगे तो ये कहा है कि आपकी जो मेंबरशिप है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, तो लेसन होना चाहिए। देर अपॉन इट शेल बी डिजॉल्व फॉर विथ और एट द टाइम देन एग्रीड अपॉन एंड ऑल नेसेसरी स्टेप्स शेल बी टेकन फॉर द डिस्पोजल एंड सेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी इट्स क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सेड सोसाइटी एप्लीकेबल डेयर टू। नेक्स्ट वन इज अपॉन अ डिसोल्यूशन द मेंबर टू रिसीव प्रॉफिट। Upon the dissolution of any society registered under this act, there shall remain after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the said society or any of them. इस पॉइंट का कहना ये है कि इफ़ इन केस आपकी जो सोसाइटी है जो आपके रजिस्टर्ड है एक्ट के अंडर में, है ना, वो अगर डिसोल्यूट हो जाए, डिसोल्यूट का मतलब कि एट द एंड ख़त्म होने वाली है ना, तो जो भी हमारा प्रॉफिट शेयर आता है ना, वो आपस के अमंग द मेंबर्स नहीं शेयर किया जाएगा, ठीक है। जो भी हमारी डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज़ है प्रॉपर्टी की, वो आपस में एक्सचेंज नहीं होंगी। देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज मेंबर डिफाइंड और डिसक्वालिफाइड मेंबर्स। मेंबर्स ये कहता है, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में वो मेंबर्स कहलाते हैं जो हमारे एडमिट हो चुके हैं कहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी के अंडर में, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कहता है, और जो भी रोल है हमारा, मतलब लिस्ट ऑफ मेंबर्स के अंडर में आप आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ों में आप नहीं है तो आप मेंबर नहीं कहलाओगे, और अगर आप मेंबर नहीं हो तो आप इंटाइटल्ड और वोट करने के लिए काबिल नहीं हो, यानी कि आप वोट करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा कि आप मेंबर नहीं हो, वोट करने में आप शामिल नहीं हो पाओगे, ठीक है। टू वोट और बी काउंटेड एज ए मेंबर, आप मेंबर नहीं कहलाओगे। मेंबर होने के लिए आपको पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी सोसाइटी में आपको मेंबरशिप का वो मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप एंटर करोगे एज अ मेंबरशिप। और आपकी जो आपका जो अगर वोट है वो मान्य नहीं रहेगा, और अगर कोई एरर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months ऐसे भी कोई अगर दिक्कत आती है तो भी आप अलाउ नहीं करोगे। तो मेंबर डिफाइंड और डिसक्वालिफाइड मेंबर्स का मतलब ही है कि आपको मेंबर में पहले सोसाइटी में आपको मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप मेंबर नहीं हो
तो आप ना तो एक्ट करने के लिए एबल रहोगे, ठीक है, ना कोई और आगे वर्क के लिए। नेक्स्ट वन इज़ गवर्निंग बॉडी डिफाइंड। द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी शैल बी द गवर्नर्स, काउंसिल्स, डायरेक्टर्स, कमिटी, ट्रस्टीज और अदर बॉडी टू होम बाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज इंटरेस्टेड। इस पॉइंट का ये कहना है कि गवर्निंग बॉडी आपके इसके अंडर में, सोसाइटी के अंडर में कौन लोग हैं, आपके गवर्नर्स हो गए, काउंसिल्स हो गए, डायरेक्टर्स, कमिटीज, ट्रस्टीज, ये आपकी गवर्निंग बॉडीज है सोसाइटी एक्ट के अंडर में, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोअप करने होते हैं सोसाइटी के अंडर में और जो भी चीज़ें मैनेज करनी होती है वो कौन देखता है, हमारा गवर्निंग बॉडी। और इस गवर्निंग बॉडी में कौन लोग यहाँ पे आते हैं, आपके गवर्नर्स, काउंसिल, डायरेक्टर्स, कमिटी एंड ट्रस्टीज, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर्म्ड बिफोर एक्ट। तो इस एक्ट का ये कहना है कि पहले तो आपकी सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। आप जो भी ये वर्क कर रहे हैं यहाँ पे लिटरेरी का, साइंटिफिक या चैरिटेबल पर्पस जो भी आप कर रहे हैं, तो वो पहली बात तो आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इफ़ इन केस जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी चल रही है, ठीक है, बट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट 43 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। आपको सोसाइटीज एक्ट के अंडर में अगर आपको आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है आपकी सोसाइटी का। देन नेक्स्ट पॉइंट सेज सच सोसाइटीज शुड फाइल मेमोरेंडम एट्सेट्रा विद रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो इसका मतलब ये कहता है कि आपकी जो भी सोसाइटी फॉर्म हुई है, पहली बात तो आपको मेमोरेंडम के अंडर में आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या सेट करना पड़ेगा, आपको नेम ऑफ द सोसाइटी और ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और अगर मेंशन नहीं है तो वो करवाना पड़ेगा आपको। फिर एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी के बारे में, चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस सोसाइटी सर्टिफाइड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 एंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच रजिस्ट्रेशन वॉज रिजॉल्व ऑन। तो ये चीज़ें आपको सोसाइटी एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में करवाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफाइड कॉपीज। एनी पर्सन में इंस्पेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल विद रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट ऑन पेमेंट ऑफ अ फी ऑफ 1 रुपी फॉर ईच इंस्पेक्शन एंड एनी पर्सन में रिक्वायर अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये कहता है कि कोई भी पर्सन आके इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आपका कर सकता है, ठीक है। एनी पर्सन में इंस्पेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स कि जो भी आपने सोसाइटी के अंडर में जो इस एक्ट के अंदर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लगा है, पैसे से लेके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो लीगली आपने करवा रखे हैं कि नहीं करवा रखे हैं, है ना। डॉक्यूमेंट आपका चेक करेगा आपके, और जो है आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके फॉर एवरी 100 वर्ड्स ऑफ सच कॉपी और एक्सट्रैक्ट आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है तो। एंड सच सर्टिफाइड कॉपी शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस, यानी कि फिर वो आपकी कॉपी जो है एविडेंस के तौर पे कंटेन रखी जाएगी। नेक्स्ट इज टू व्हाट सोसाइटीज एक्ट अप्लाई। सोसाइटी एक्ट कहाँ पे अप्लाई करता है आपके, चैरिटेबल सोसाइटीज़ में, मिलिट्री ऑफन फंड्स, सोसाइटीज इस्टेब्लिश्ड एट द सेवरल प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया, सोसाइटीज इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर और द फाइन आर्ट्स, फॉर इंस्ट्रक्शन, द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज, द डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, द फाउंडेशन और मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स फॉर जनरल यूज अमंग द मेंबर्स और ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक म्यूजियम्स, गैलरीज ऑफ पेंटिंग्स, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मैकेनिकल एंड फिलोसफिकल इन्वेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स और डिज़ाइंस। तो ये सोसाइटी आपकी कहाँ का अप्लाई होती है, ये सारे सोसाइटी की जो प्लेसेस है यहाँ यहाँ पे आपके सोसाइटी एक्ट अप्लाई करता है, चाहे चैरिटेबल पर्पस हो, मिलिट्री से हो, सोसाइटी, है ना, आपके जितने भी
साइंस लिटरेचर और फाइन आर्ट्स की प्रमोशन हो गए, ठीक है, जो भी हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ाया बताया था आपको कि साइंस लिटरेचर और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आपकी एज अ ग्लोबल वर्ल्ड में बढ़ेंगी तो आपका इकोनॉमिक डेवलप भी होगा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों पे आपकी सोसाइटी एक्ट एप्लीकेबल होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी एक्ट के बारे में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट के बारे में, कैपिटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस कैपिटलिस्ट की वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे।